अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का हमीरपुर गांधी चौक पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बिल को निरस्त करने के लिए जोरदार मांग की गई। सम्मेलन में युवा अध्यक्ष दिलवाग सिंह के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने क्षेत्रीय लोगों का शोषण किया है और आज के समय में पूरे देश में स्वर्ण समाज सड़कों पर उतर चुका है और अपनी मांग को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण कानून को निरस्त नहीं किया जाता है तो आगामी लोकसभा चुनावों में स्वर्ण समाज नोटा का इस्तेमाल करेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी जाति या किसी धर्म से नहीं है। और दूसरी बात जो मैं ये करना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से भी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के साथ है। सिस्टम का स्वरूप जो बिगड़ा हुआ है हम उससे लड़ रहे हैं। हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने जैसे पीछे पड़ा होगा SC ST एट्रोसिटी बिल, इसके बारे में मैंने पूरे प्रदेश में घूम घूम के सभी लोगों को बताया। अभी तो ये बिल बहुत पुराना हो चुका है, आप लोग सब पढ़ पढ़ के इसको थक गए हैं। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा शोषण जो हो रहा है आप लोगों के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के बच्चे 80 और 90 नंबर लेने के बाद भी घर में बैठे हैं और 40 नंबर लेने वाले सरकारी जॉब में जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक पूरा का पूरा स्वर्ण समाज जो है वो इकट्ठा हो चुका है, सड़कों पे उतर चुका है। चाहे वो कोई भी सरकार रहे, उसके विरुद्ध एक तालमेल जो उन लोगों ने बैठाया है वो आप लोगों ने उसका खमियाजा अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन उसमें देख चुके। आप लोग सभी भली भांति जानते हैं, अगर इतिहास के पन्ने इतिहास में से अगर राजपूतों का इतिहास निकाल दिया जाए, क्षत्रियों का इतिहास निकाल दिया जाए, तो बड़ी मुश्किल से 4 पेज जो है पूरे इतिहास के बचेंगे।